कल शाम को ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नारकू टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार हैं, उनका नारकू टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि उनका नारकू, अगर वो रेडी हैं तो उनका नारकू टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, और पूरा देश लाइव देखे उस चीज़ को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनके उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दो ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने सात लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं, तो आप उस चीज़ के लिए अगर आप रेडी हो, पूरा देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूँगा कि पूरा देश उस चीज़ को लाइव देखे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद जो वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर भी एक बार, क्योंकि अभी तक उनके ना तो 164 के बयान हुए हैं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठ के बोल रहा है कभी ये कर लो कभी वो कर लो, हम तो यहाँ उनके घर के पास बैठे हैं, 200 मीटर दूर है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपके 164 के बयान नहीं हुए हैं, आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि उनको सोशल मीडिया पर स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है, उनको स्टार ना बनाए कि भाई वो स्टार हो। वो कोई ऐसा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रखा उन्होंने जो उसको सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड दे रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बेटियों की लड़ाई है, पूरा देश साथ साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि उनका जो नार्को टेस्ट की उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उस चीज़ को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करते हैं, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। मुझे नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को लिखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं आज पूरे 30 दिन हो गए हमें आप बैठे हुए, और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 23 मई को हम शाम 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो आप सब लोग वहाँ आइए और हमारा समर्थन कीजिए। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो शुरू दिन से ही हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और कोई भी अगर यहाँ आके कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रहा है या भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, क्योंकि हम नहीं किसी भी आदमी के अंदर घुस सकते हैं। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए, महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया है, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया है।